हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कलर थेरेपी उन लोगों के लिए जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि उनका खाना ठीक से नहीं पचता है। तो उसके लिए आपको चाहिए ग्रीन कलर के स्केच पेन, और ये आपको कहाँ लगाना है अपने जो दोनों हाथों में लगाएंगे, बस पॉइंट्स आपको देख दें किस तरह से ढूंढना है। दोनों मिडल फिंगर्स के बीच में आप आएंगे नीचे, और ये जो हमारा थंब है उसकी बीच में से आप लाइन में से बिल्कुल सीधे आएंगे, जहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा वहाँ पे आपको कलर लगाना है। ठीक है, मैं आपको लगा करके दिखा देती हूँ। ये देखेंगे आप, इस तरह से आपको ग्रीन कलर लगाना है। इस तरह से आपको दोनों फिंगर्स के बीच में से देखेंगे, और ये बिल्कुल अंगूठे के बीच से मिड लाइन जाएगी, जहाँ पर ये दोनों क्रॉस होते हैं, मिलते हैं, वहाँ पे आपको ग्रीन कलर का स्केच पेन लगाना है। इसी तरह से आपको दोनों हाथों में करना है ये। इसमें भी मैंने इस तरह से लगाया है। इसको आपको कम से कम 6 घंटे करना है। साथ ही मैं अपने और भी वीडियोस बताऊंगी जिसमें आपको अगर गैस की प्रॉब्लम है किस तरह खाना पीना आपको करना है, किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी है, कौन से प्राणायाम करने हैं, तो देखना ना भूलें मेरे और भी वीडियोस। और साथ ही आपको अपने बॉवल्स को बहुत ज़्यादा क्लियर रखना है, पानी बहुत ज़्यादा पिए, चाय की मात्रा कम कर दीजिए, और तेल मसाले ज़्यादा तीखी चीज़ें इनको अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। आपको ये कलर थेरेपी करनी है 15 दिन कम से कम, अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो आप 2 महीने कर सकते हैं। दिन में 6 घंटे आपको ये कलर लगा के रखना है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं लगाना है, जिन लड़कियों को पीरियड्स की प्रॉब्लम है उसमें नहीं लगाना है। अगर ये कलर लगा के आपको कोई इरीटेशन होता है आप इसको तुरंत रिमूव कर दीजिए इस कलर को। बाकी आप अगर इसे दिन में लगाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आपको रात में लगाना पड़ रहा है तो इसको आप कोई भी लाइट दिखा लीजिए ताकि आपका कलर एक्टिवेट हो जाए। आप देखेंगे आपको इससे तुरंत निजात मिलेगी। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।